करनाल में विजय दिवस समारोह के अवसर पर शहीदी स्मारक पर शहीदों को पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। इस अवसर पर करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव ने विशेष तौर पर शिरकत की। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि आज से ठीक 49 वर्ष पूर्व स्वतंत्र भारत की सशस्त्र सेनाओं ने अपने गौरवमय इतिहास को रचा था। आज के ऐतिहासिक दिन यानी 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने अपने अस्त्र शस्त्रों के विपुल भंडार के साथ साथ अपने कमांडर जनरल AAK नियाजी सहित भारतीय सेना के सम्मुख ढाका में आत्मसमर्पण किया था। कितने गौरवमय थे वो क्षण जब भारत की प्रतिष्ठा अपनी चरम सीमा को छू रही थी। आपको बता दें कि बुधवार को उपायुक्त जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय के सभागार में सशस्त्र सेनाओं के सम्मान में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित विजय दिवस समारोह अवसर पर शहीदी स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करने के उपरांत उपस्थित शहीदों के परिजनों को संबोधित कर रहे थे। इतनी बड़ी जीत के पीछे हमारी शस्त्र सेनाओं की अभूतपूर्व वीरता, बलिदान व शौर्य की गाथा जुड़ी हुई है। उन वीर सैनिकों के अदम्य साहस को समूचा राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। इस अवसर पर पूर्व सेना अधिकारी मेजर जनरल DDS संधू, ब्रिगेडियर NK भंडारी, ब्रिगेडियर रणधीर सिंह, कर्नल दिनेश गुप्ता, पूर्व सैनिक सभा के प्रदेशाध्यक्ष लक्की राम तथा जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड के सचिव कर्नल PK यादव सहित अन्य अधिकारियों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्य अतिथि व अन्य अतिथिगणों ने 1971 की लड़ाई में शहीद हुए जिला के सैनिकों के चित्रों पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि आजादी के भारत देश ने कई लड़ाई लड़ी, लेकिन 1971 की लड़ाई में सशस्त्र सेनाओं ने अपने गौरवमय इतिहास का सबसे सुंदर स्वर्ण पृष्ठ लिखा था। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का भी जन्म हुआ था। उन्होंने कहा कि विजय दिवस मनाने के दो मुख्य उद्देश्य हैं, एक तो शहीदों की कुर्बानी को याद किया जाए और उनके परिजनों को हर संभव मदद करने का संकल्प लिया जाए। दूसरी ओर इस दिन भारत ने विश्व स्तर पर एक महाशक्ति के रूप में एक अलग पहचान बनाई थी। उन्होंने कहा कि आज बहुत ही खुशी की बात है कि हम अपनी उस महान विजय की स्मृति के क्षणों को ताजा करने वह अपनी महान सशस्त्र सेनाओं के प्रति अपना प्यार व व्यवहार के साथ साथ श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उन शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए युवा पीढ़ी को देशभक्ति और राष्ट्र की प्रगति के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। कार्यक्रम में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेलवे रोड की छात्राओं तथा जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी करनाल की ड्रामा पार्टी के कलाकारों ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीत प्रस्तुत किए। वहीं जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड के सचिव कर्नल PK यादव ने विजय दिवस कार्यक्रम के अवसर पर 16 युद्ध वीरांगनाओं को आर्थिक सहायता राशि के चेक तथा जिला प्रशासन की ओर से कंबल व इलेक्ट्रिक चौपर देकर सम्मानित किया। जी सर, क्या कहना चाहोगे आज शहीद दिवस? आज 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है हमारा, और ये जो 1971 में जंग हुई थी पाकिस्तान के साथ, उसमें जो भारत ने विजय हासिल की थी उसके यादगार के तौर पर मनाया जाता है। और आज ही के दिन 16 दिसंबर को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय फौज के सामने समर्पण किया था, और इसमें लगभग 1400 हमारे जवान हैं, उन्होंने वीरगति की प्राप्ति की थी। तो उनको याद रखने के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए विजय दिवस मनाया जाता है। ऐसे में हम सब हमारे उन सभी शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपने जीवन का अमूल्य योगदान दे करके देश को विजय बनाने में मदद की, और हम सब उनके परिवारों के प्रति ये संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं कि उनके लिए प्रशासन और सरकार जिस भी स्तर पर उनको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता होगी, हम उनको सहायता देंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.